हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चेक करेंगे मेरे प्यारे प्यारे ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स के लिए आगे क्या आ रहा है। यस फ्रेंड्स, रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव है। विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मेरे सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स की बेस्ट से बेस्ट हेल्प करें। उन्हें बताएं उनके लिए क्या आ रहा है। ओम गौरी शंकराय नमः। जल्दी से फ्रेंड्स पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ओ माय गॉड, लेट्स चेक। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स आपके पार्टनर्स मीन्स डिवाइन मस्कुलिन मैक्सिमम रूप से जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए बेचैन और परेशान है। इस कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं गाइडेंस, एडवाइस, रेमेडीज ले रहे हैं, टैरो रीडिंग्स चेक कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम इन्हें बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं। ड्रीम्स में इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। तो ये उस मोड पर आ चुके हैं जब डिवाइन फेमिनाइन की इस कनेक्शन में अवेकनिंग शुरू हुई थी, ठीक है। वो मैं क्लियरली यहाँ पर देख पा रही हूँ। 3, 12, 21, 30 नंबर्स और डेट्स इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जीज। यहाँ पर है हमारा सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर्स को आपके साथ बीते हुए लम्हे बहुत याद आ रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके लिए बेचैन हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। इनका बाय हार्ट मन है कि सारी खचड़ पचड़ एंड सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलकर आपको लेकर कहीं दूर जाकर बस जाएं, जहां पर सिर्फ आप हो और ये हो, कोई भी थर्ड पर्सन ना हो जो आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करे एंड प्रॉब्लम्स इंक्रीज करें। 6, 15, 24 नंबर्स और डेट्स इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है। जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस एनर्जीज। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। कर रही है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ठीक है। ओम गौरी शंकराय नमः। एस ऑफ कप्स, अमेजिंग। आपके डिवाइन मस्कुलिन इस टाइम आपको लेकर भावुक हैं, इमोशनल हैं। उनका मन कर रहा है कि बस आपको सामने बिठाएं एंड देखते ही जाएं। इनकी आंखें आपको देखने के लिए तरस रही हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। इस टाइम इनके दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इमोशंस एंड प्यार है। इनका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन चल रहा है। फ्रेंड्स, 1, 19, 28, 10 कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स डेट या जोडियक्स हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन 7, 16, 25 नंबर्स और डेट्स, ठीक है। ऐसा लग रहा है डिवाइन मस्कुलिन आप लोगों को बहुत स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। मुड़ मुड़ कर पीछे आपको देख रहे हैं, इन्हें पास्ट की मेमोरीज परेशान कर रही हैं। आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये सोच सोच कर इम्पल्सिव हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें, छुप छुप कर देख रहे हैं। और जैसे ही आप देखोगे कि ये ऑनलाइन है, ये एकदम से ऑफलाइन हो जाएंगे, डर जाएंगे, छुप जाएंगे। अगर ये आपके सामने है आपको छुप के विंडो से या गेट से देखेंगे, और जैसे ही आप देखोगे वैसे ही छुप जाएंगे, वो वाइब्रेशंस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत टाइम से आप दोनों का रिश्ता एक जगह पर अटक गया है, रुक गया है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें, किस तरह से करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ब्लैक मैजिक है, इविल हाई है, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली इविल आई और ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है, हैवी कार्मिक साइकल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में डिस्टर्बेंस एंड ब्लॉकेजेस हैं जो बहुत टाइम से हैं, बढ़ती जा रही हैं, सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है।
फ्रेंड्स मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ आपके कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आप वेयर कर सकते हैं इविल आई ब्रेसलेट जो कि रिचार्ज करके मिलेगा, चार्ज करके मिलेगा सॉरी, ठीक है, जो प्रॉपर चार्ज करके मिलेगा आपके कनेक्शन के लिए। ये आपके कनेक्शन में से ब्लैक मैजिक, इविल आई या फिर किसी भी तरह की बुरी नज़र को हटाएगा एंड आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करेगा। विद इट आप लोगों को वेयर करना चाहिए रोज़ क्वार्ट्स, ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स आपके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ केयर की वाइब्रेशंस को इंक्रीज करेगा, आपको मैग्नेट बनाएगा, सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट बनाएगा, जिसके कारण आपके पर्सन खुद चलकर आपकी तरफ आएंगे एंड ये कनेक्शन इन दोनों ब्रेसलेट्स को वेयर करने से पहले जैसा हो जाएगा। ये दोनों ब्रेसलेट्स आपकी हेल्प करेंगे नज़र दोष, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने में, प्लस जो आप डिज़र्व करते हो आप तक वो वाइब्रेशंस एंड वो एक्शंस लाने में, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन ब्रेसलेट्स को बुक करना कराना जो कि चार्ज कराकर मिलेंगे आपको, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इन दोनों ब्रेसलेट्स को बुक करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम चेक कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, कब तक होगा, एंड मीनवाइल डिवाइन फेमिनाइन मींस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओम गौरी शंकराय नमः। डिवाइन मस्कुलिन की नेक्स्ट मूव की बात करूं तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और करेंगे भी, बट स्टिल देखिए पीछे कितनी ब्लैकिश एनर्जी है, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक, इविल आई, कार्मिक लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इनका एक्शन प्रिडिक्टेड टाइम से डिले और पोस्टपोन हो सकता है। वैसे प्रिडिक्टेड टाइम है 4 to 6 hours और 4 to 10 days, जिसमें ये आपको अप्रोच करके कमिटमेंट दे सकते हैं, कन्फेशन दे सकते हैं, रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, रियूनियन कर सकते हैं। एंड अब हम चेक कर रहे हैं मेरे ब्यूटीफुल से डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो एनर्जीज आई हैं 5 of Swords, आप भी कहीं ना कहीं कार्मिक साइकल्स में, कार्मिक लोगों में उलझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बार बार कुछ ऐसी बातों पर ओवरथिंक कर रहे हैं जो आपके मतलब की नहीं है, काम की नहीं है, उलझ रहे हैं और उलझते ही जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रही है आपको मेंटली और इमोशनली स्टेबल होने की नीड है। अगर इस तरह से उलझोगे अपने पर्सन के लिए आपके मन में एग्रेशन रेज होगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा आप तो डिज़र्व ही नहीं करते, आपको ये इंसान, ये कनेक्शन चाहिए ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आप उस ब्लैक मैजिक इविल आई को बढ़ावा दे रहे हो कि वो आप दोनों के कनेक्शन में प्लेस ले एंड आप दोनों को दूर करे। ये आपको नहीं करना है, आपको अपने दिल पे हाथ रखना है, महसूस करना है लव को, लव वाइब्रेशन सेंड करनी है उन्हें, और खुद भी हाई लव वाइब्रेशंस में रहना है, जिससे इस कनेक्शन में जो भी ब्लैक मैजिक, मैनिपुलेशन, इल्यूजन्स, भ्रम है सब रिमूव हो जाए एंड आप दोनों के कनेक्शन में पहले की तरह स्टेबिलिटी, लव, इमोशंस, हारमोनी और केयर आए और ये कनेक्शन हो जाए लवी डवी। तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रांग बनने की नीड है, बिकॉज जो ये इविल आई है, ब्लैक मैजिक है, आपके मन में भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उथल पुथल, आर्ग्यूमेंट्स और अग्रेशन रेज कर रहा है, सो दैट आप खुद से इतने ज़्यादा चिढ़ जाएं कि इस पर्सन को इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकालने की बजाय इन्हें अपने से दूर कर दें, ठीक है, बट आपको नहीं करना है, एटलीस्ट मेंटली और इमोशनली खुद को स्टेबल करने की कोशिश करें। अभी के लिए इतने ही फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, राधे राधे, ऑलराइट।